सो गाइस, इट्स संडे और आज है 13 दिसंबर 2020 और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। एंड गाइस, आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक नया पेट फिश लाया था जिसका नाम मैंने कैप्टन रखा था। तो ये रहे हमारे कैप्टन साहब, मस्त पानी में तैरते हुए। अच्छे से दिख रहा है क्या? ये रहे, ये रहा, हाँ ये रहा। तो आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, और जिन लोगों ने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने फुल दिखाया कि मैंने नया फिश लाया, उसका फिश बाउल मैंने कैसे रेडी किया, सब कुछ दिखाया। तो गाइस, इसको लाए हुए मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है। तो मैंने इसको लास्ट संडे को लाया था और आज दूसरा संडे है, तो हफ्ते में एक दिन इसका पानी चेंज करना पड़ता है क्योंकि इनका पॉटी में टॉक्सिक होता है। तो पानी अगर चेंज नहीं किया तो ये फिश मर सकते हैं। तो हफ्ते में किसी भी एक दिन आपको इसका पानी चेंज करना होता है। तो इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं वो सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा। जो लोग फिश पालते हैं उनको पता है, और जो लोग बिगिनर है या जो लोग लेने का सोच रहे हैं, आप लोग देख लीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे सब कुछ हैंडल करना है। तो वो सब तो हम लोग करके, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी अभी एक बहन है, मेरी कज़न बहन है, मौसी की लड़की है, आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में उसको देखा होगा। तो उसको भी सेम एक फिश लेना है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो पूरा हफ्ता वो उसका स्कूल था, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज संडे वो फ्री है, तो वो थोड़ी देर बाद आने वाली है। तो हम लोग सेम एक्वेरियम में जाएंगे, वहाँ से जाके उसके लिए भी सेम फिश लेंगे, किसी डिफरेंट कलर का लेंगे, उसको कौन सा पसंद आता है देखते। तो जो लोग चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, साइड में वो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर देना, तो मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो गाइस, अभी मेरी बहन को आने दीजिए, फिर हम लोग एक्वेरियम में चलते हैं, फिर वापस आके फिश बॉल को साफ करेंगे। মাছ নাই নাই এটা খাইবার মাছ গপ্পি কিরম দৌড়ে আর দেখো না সো গাইস, ফাইনালি ব্যাক টু হোম। और यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब मस्त पानी में तैरते हुए। तो अभी मुझे इसका पानी चेंज करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फुल प्रोसेस क्या है, कैसे आपको इसका पानी चेंज करना है और कैसे सब कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको जो पानी चेंज करना है उसका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। मतलब आपको ये सभी पानी को चेंज नहीं करना है, इसका 30% पानी आपको फेंक देना है और 70% पानी आपको मतलब रखना है। तो अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। गाइस, इस पानी में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है जो इस फिश के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फिश को हेल्प करता है ग्रो करने में। तो इसमें जो पानी है, इसका जो नीचे का जो पानी है उसको हमको फेंकना है और इसका 30% पानी को वापस इसमें डाल देना है। तो सबसे पहले हमको इस बाउल से 30% पानी को अलग रखना पड़ेगा, फिर नीचे के पानी को फेंक के, नीचे के स्टोन्स को साफ करके, फिर वो 30% पानी को वापस डालेंगे, फिर न्यू से 70% पानी को वापस डालेंगे, फिर 30% न्यू पानी डालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो गाइस, हमने ऐसा एक बर्तन ला लिया है, तो इसमें हम इसका 70% पानी को इसमें रख देंगे, और ऐसा छोटा सा एक कप है। अगर आपके पास फिश नेट है तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास फिश नेट नहीं है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस कप से हम धीरे धीरे पानी को इस बर्तन में डालेंगे, 70% पानी को डालेंगे। मेक श्योर आप इसके नीचे के पानी को छेड़छाड़ ना करें, वरना जितना कचरा है सब ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पानी को इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पानी को धीरे धीरे से इसमें डालते हैं। तो इसमें हमने काफ़ी पानी डाल दिया है, तो अभी फिश को हमको इसमें डालना है। तो आप अगर आपके पास फिश नेट है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके फिन्स को चोट पहुंच सकता है। लेकिन मेरे पास अभी फिश नेट नहीं है तो मुझे हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फिश को इस बर्तन में डाल दिया है। तो अभी हम धीरे धीरे से इसका पानी को इसमें और ट्रांसफर करते रहेंगे। कम से कम हमको इसका इतना पानी, इस बाउल को आप देख लीजिए, कम से कम इतना पानी हमको इसमें ट्रांसफर करना है, फिर नीचे का पानी हम फेंक देंगे। A few moments later.
तो गाइस हमने कम से कम 60-70% पानी इस कंटेनर में हमने अलग से रख लिया है। तो अभी हमको इस ये जो नीचे का पानी है इसको फेंक देना है, और फिर इसके स्टोन्स और ये पेड़ को हमको अभी साफ करना है। तो चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे स्टोन्स को अलग कर लिया, आप देख सकते हैं। और यह पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, आप नीचे से देखिए ये जितना कचरा है सब फिश का पॉटी है। तो हमको ये पानी को फेंक देना है, और अभी स्टोन्स को हमको अलग से मतलब धोना है अच्छे से। तो गाइस हमने सब कुछ धो लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो अभी हमको वापस सब कुछ डालना है, तो अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं। तो अभी हमने सभी स्टोन्स को अच्छे से धो लिया है, इस प्लांट को भी अच्छे से धो लिया है, और फिश बॉल को भी अच्छे से धो लिया है, नीचे का सब कचरा फेंक दिया है। तो अभी हमको स्टोन्स को वापस से सावधानी से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से धीरे धीरे आप स्टोन्स को वापस अंदर डालिए, क्योंकि ये मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि ये वाला कांच बहुत हल्का होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने अपना ब्रेसलेट भी खोल के साइड में रख दिया ताकि कांच को कुछ नुकसान ना हो। तो अभी हमको धीरे धीरे इसको वापस डालना है, एकदम धीरे धीरे, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। अरे यार नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना, इधर मेरे ही हाथ से छूट रहा है। तो हमने सभी स्टोन्स को वापस डाल दिया है, तो अभी हमको इस प्लांट को डालना है। तो इस प्लांट को, अरे यार मेरे हाथ पे क्या लगा हुआ है। तो इस प्लांट को हम धीरे से यहाँ पे डाल देंगे। और फिर इसको हम लोग स्टोन से कवर कर लेंगे। तो ये हमारा फिश बॉल रेडी है, अभी हमको इस पानी को वापस डालना है। गाइस पानी डालने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने यहाँ पे 60-70% पानी अलग रख लिया था। तो इस पानी को तो हम इसमें डालेंगे, लेकिन साथ में जो आपको 30% जो न्यू पानी डालना है उस चीज में एक आपको चीज एक चीज ध्यान रखना है कि उस पानी में ना तो क्लोरीन होना चाहिए ना आयरन होना चाहिए। मतलब बहुत लोग अपना वो जो नल होता है नल का पानी डाल सकते हैं, तो अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके नल का जो पानी है उसमें आयरन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कोई भी केमिकल्स नहीं होना चाहिए। सबसे बेटर ये होगा कि आप अपने एक्वा गार्ड या आपके घर में जो भी फिल्टर है उस फिल्टर का पानी डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं अपने घर में एक्वा गार्ड का जो पानी है उससे जो 30% एक्स्ट्रा पानी इसमें डालना होता है वो एक्वा गार्ड का पानी मैं इसमें डालूंगा। तो पहले मैं ये 70% पानी इसमें डाल देता हूँ, फिर लास्ट में मैं फिर बाकी 30% पानी लाके इसमें डालूंगा। तो गाइस हमने इसको साफ तो कर लिया है, अभी हमको धीरे से इस पानी को इसमें डालना है। तो ये भी आपको बहुत केयरफुली करना है वरना नीचे का सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको धीरे से 2-3 कप करके हम इसमें पानी डालते हैं। तो अभी मैंने इसमें पानी तो डाल दिया है जो पहले का पानी था, अभी मुझे इसको फिल करना है, जो कि मैं अभी घर का एक्वागार्ड का पानी है। मैंने आपको बोला कि कोई भी क्लोरीन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा प्योर पानी होना चाहिए, तो वो डालना है। तो मैं जाके जल्दी से आके पानी लेके आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक्वागार्ड का पानी लेके आ गया हूँ जो कि बोतल में भरा हुआ है। तो अभी मैं ये दोनों बोतल का पानी इसमें डालूंगा, तो चले डालता हूँ। ऑलमोस्ट फुल हो गया है, बस थोड़ा सा और डालना है। तो ये हमारा फिश बाउल साफ हो गया है, तो इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो आप पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ है। तो इसी तरह आपको हर हफ्ते एक बार पानी को चेंज करना है इस फिश बाउल के लिए। और अगर आपका एक्वेरियम है
तो आपको शायद महीने में या डेढ़ महीने में कुछ करना पड़ता है, उसका प्रोसेस मुझे पता नहीं है, लेकिन फिश बाउल में आपको हफ्ते में एक बार पानी चेंज करना है। और ये हमारे कैप्टन साहब कहाँ छुप रहे हैं यार, इधर आ जाओ। हाँ ये रहे, ये अभी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इतना पानी नहीं चेंज किया है, तो इसको भी थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इसको एडजस्ट करने में 1-2 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिश बॉल को कैसे साफ करना है, आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग फिश लेने का सोच रहे हैं या जिनके पास फिश है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, साइड में वो बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर देना, तो कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद।